अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों क्या हाल है दोस्तों। आज मैं आपके साथ नोकिया 5310 TA1212 इसके माइक के वेज शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको इसकी इन दो पॉइंटों की रीडिंग भी चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये इनर पॉइंट पर रीडिंग आ रही है, ये माइक का पॉजिटिव पॉइंट है, और ये नेगेटिव पर भी रीडिंग आ रही है। सबसे पहले हम इसका जो पॉजिटिव का पॉइंट है, इनर पॉइंट है, उसको चेक करेंगे कि किस किस पॉइंट पर जा रहा है। ये सबसे पहले मदरबोर्ड की बिल्कुल इस साइड पर, ये मैं आपको जूम करके चेक करवा देता हूँ। ये देखें, ये इस पॉइंट पर आ रहा है, उसके बाद ये इस पॉइंट पर आ रहा है, उसके बाद इस कैपेसिटर पर जा रहा है, और इसकी दूसरी साइड पर आ रहा है, उसके बाद ये देखिए इस रेजिस्टेंस पर जा रहा है, ये देखिए इस रेजिस्टेंस पर आ रहा है, और रेजिस्टेंस की दूसरी साइड से ये सीधा सीपीयू में चला जाता है। ये लास्ट पॉइंट है माइक के जो पॉजिटिव का पॉइंट है ना, ये इसका लास्ट लास्ट पॉइंट है, उसके बाद ये सीधा सीपीयू में चला जाता है। अब जो आउटर पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है माइक का, वो देखते हैं। ये मैं आपको मज़ीद ज़ूम करके दिखा रहा हूँ, ये पॉजिटिव का पॉइंट है, ये माइक की पॉजिटिव का पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट है। अब ये नेगेटिव को चेक करते हैं कि इसका लिंक किस किस पॉइंट पर जा रहा है। सबसे पहले ये इस पॉइंट पर आ रहा है, उसके बाद ये इस कैपेसिटर पर जा रहा है, उसके बाद इस पॉइंट पर आ रहा है, उसके बाद ये इस रेजिस्टेंस पर आ रहा है, और रेजिस्टेंस की दूसरी साइड से होता हुआ ये सीधा सीपीयू में चला जाता है।